नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अखिलेश्वर साधक जी के YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रचंड टोटका जिसे करके आप बहुत ही आसानी से अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। हमारे इस टोटके को आज तक जितने भी लोगों ने किया है उन सबको इसका फल मिला है। यह टोटका कभी भी खाली नहीं जाता और 100% आपका काम करेगा। अगर आपने यह टोटका अपने दुश्मन पर एक बार कर दिया तो समझ लीजिए अब आपके दुश्मन का बचना मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के जानते हैं इस टोटके के बारे में। दोस्तों, टोटका शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने दुश्मन की तस्वीर लेनी है और इस फोटो के पीछे आपने दुश्मन क्री मौत क्री फट लिखना है। ध्यान रहे आपको काले रंग के मार्कर या पेन से ही लिखना है। उसके बाद आपको फोटो को सीधा करना है और सिंदूर से क्रॉस का निशान बनाना है। निशान बनाते समय आपको दुश्मन के बारे में सोचना है, आपको इतनी गहराई से सोचना है, आपको एहसास होना चाहिए कि आपके दुश्मन का अंत हो रहा है। फिर आपको इस फोटो को अपने हाथ में रखकर इस मंत्र का जाप करें। द्रीम दृष्ट दुष्ट शत्रु मरनाम सफल क्रीम फट वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है। मंत्र जाप पूरा होते ही आपको इस फोटो को जला देना है। फोटो को जला देने के बाद आपको इसकी राख को अपने दुश्मन के घर में फेंक देना है और इस टोटके के पूरे होते ही आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। धीरे धीरे आपके दुश्मन की मृत्यु हो जाएगी और आपको आपके दुश्मन से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको इस टोटके की सारी जानकारी दे दी है और मंत्र भी बता दिया है, फिर भी अगर आपको इस टोटके को करने या समझने में कोई भी समस्या आए या फिर आपको इसका फल प्राप्त ना हो तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे अखिलेश्वर साधक जी से अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। जय माता दी।